नमस्ते नमस्ते। अरे मैं क्लास 8 है भाई, क्लास 9 और 10 नहीं है, क्लास 8 है भाई। जो जो कनेक्ट हुआ है प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन पे जाके अपना नाम दे दें कि कौन कौन आ चुका है, एक बार नाम दे दो अपना। नाम दे दो अपना। नमस्ते नमस्ते। सर अनुष्का भैया, ओके। और नेक्स्ट, फटाफट अपना नाम कमेंट करें। की क्लास है भाई, 8 की। कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट है एक बार मैसेज करें भाई, कमेंट करें। क्लास 8 लिसा, जुस्मिता, कोलिता, ठीक है, अनुष्का और कौन है? सागर, ओके, सागर महंता, ओके ठीक है। अंकिता, ओके। और जल्दी आओ भाई, कनेक्ट हो जाओ फटाफट। स्टार्ट कर देंगे अब, 5 ही जने हैं, ऐसे क्या करोगे? ओनली 5 स्टूडेंट्स, ओके, 6 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। सेवन,
चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो 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 सुनो, जो भी है करना तो पड़ेगी क्लास, सुनो। अपन का चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स, चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर अपना चैप्टर का श्रेया। ठीक है सुनो, श्रेया बर्मन, ठीक है, ओके, हो रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे लोग। विदिशा है, श्रेया है, अंकिता है, जुस्मिता है, सागर है, अनुष्का है, चलो ठीक है चलेगा। सुनो, कनेक्ट होके रखो, अब बार बार ऐसे मत करो कि कनेक्ट हो रहे हो डिस्कनेक्ट हो रहे हो, ऐसे मत करो, ध्यान से पढ़ना करो। सुनो, थोड़ी बहुत आपको मजा आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, पर थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत है, ऑफलाइन क्लासेस होती तो ज्यादा बेटर रहता, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सुनो कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। नाम है चैप्टर का क्या? फोर्स एंड प्रेशर। अब हमें फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, जैसे क्या होता है कि सुनो कि अभी अपन देख रहे हैं कि फोर्स एंड प्रेशर दोनों एक जैसे टर्म लग रहा है। फोर्स एंड प्रेशर अपन को क्या लग रहा है कि सर दोनों एक ही तो है, आपको लग रहा होगा कि सर फोर्स और प्रेशर तो एक ही चीज है, बट नहीं, फोर्स अलग है और प्रेशर अलग है। क्यों अलग है देखो सुनो, यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी? फोर्स की। यहां क्या है? फोर्स। अब यहां फोर्स एंड प्रेशर है, क्या है अपन को क्या पढ़ना है? फोर्स एंड प्रेशर। क्या पढ़ना है? फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स नंबर वन चीज है और एंड के बाद क्या जुड़ा हुआ है? प्रेशर जुड़ा हुआ है। तो सेकेंड नंबर चीज क्या है? प्रेशर। तो हमें फोर्स भी पढ़ना है और हमें प्रेशर भी पढ़ना है, मतलब फोर्स एंड प्रेशर अलग अलग है। मैंने ऐसा नहीं लिखा, बुक ने ऐसा नहीं लिखा, फोर्स और प्रेशर नहीं लिखा, फोर्स और प्रेशर नहीं लिखा, फोर्स और क्या प्रेशर नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा है? फोर्स एंड प्रेशर। क्या लिखा है? फोर्स एंड प्रेशर। क्या लिखा गया है? फोर्स एंड प्रेशर। तो मैं सीधी सी बात पहले पहले स्टार्टिंग की बात में बोलना चाहूंगा, फोर्स अलग टर्म है, फोर्स का मतलब अलग है और प्रेशर का मतलब अलग। यहां फोर्स अलग है और प्रेशर अलग। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, सुने आप ध्यान से सुनते रहे, प्रेशर फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर को अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबके पास किताब होगी बट जरूरत नहीं पड़ेगी बुक की, आप सुनते रहे। सुनो कि देखो सबसे पहले बुक ने क्या बोला है, बुक में क्या बोला, अपन बुक के हिसाब से जाएंगे, नालंदा की बुक के हिसाब से जाएंगे, सारे नालंदा के स्टूडेंट है तो अपन बुक के हिसाब से जाएंगे। सबसे पहले सुनो कि एग्जाम्पल क्या लिया गया है कि सपोज करो, यहां समझे कि आप स्कूल की बस में पिकनिक जा रहे हो। सपोज आपकी बस है, एक बस है आपकी, और ये इस बस में आप क्या जा रहे हो? पिकनिक जा रहे हो। इस बस में आप कहां जा रहे हो? पिकनिक जा रहे हो। कहां जा रहे हो? पिकनिक पे जा रहे हो। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, ये बस क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, इसकी बैटरी डाउन हो जाती है और ये बस क्या हो जाती है? स्टार्ट नहीं हो रही, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है बस। और रुकने के बाद आपको बोला जाता है, ड्राइवर साहब आपको बोलते हैं कि बच्चों आप उतरो और पीछे से क्या लगाओ? धक्का लगाओ। पीछे से क्या धक्का लगाओ? पीछे से क्या लगाओ? धक्का लगाओ। पीछे से क्या लगाओ? धक्का लगाओ। आप उतरते हो, पिकनिक जा रहे हो बस में, बड़े आराम से जा रहे थे, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मैं उसकी बात करता हूँ कि एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। आपको ऐसा कुछ एक कंडीशन बना के दी जाएगी, आपको कंडीशन में क्या बताया जाएगा? आपको कंडीशन में बताया जाएगा कि यू आर गोइंग टू पिकनिक, आप कहां जा रहे हो? पिकनिक जा रहे हो, और ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, कुछ रीजंस के वजह से वो बस क्या हो गई? खराब हो गई। वो बस क्या हो गई? खराब हो गई। पिकनिक पे जो जा रहे थे और वो बस क्या हो गई? खराब हो गई। अब बस खराब होने की वजह से आपको नीचे उतरने बोला और आपको बोला कि पीछे से क्या लगाओ? थोड़ा सा धक्का लगाओ। आप क्या लगाओ? थोड़ा सा धक्का लगाओ। तो इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन पूछा गया है पूरा? इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि आप पीछे जाके क्या कर रहे हो, आप क्या अप्लाई कर रहे हो? तो आपको आंसर देना है कि आप पीछे जाके क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स। आप क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स। तो आपको जब पीछे जाने के लिए बोला ड्राइवर ने, तो ड्राइवर ने आपको पीछे जाके क्या लगाने बोला? फोर्स लगाने बोला। क्या लगाने बोला? फोर्स लगाना। सो यू आर अप्लाइंग फोर्स। आप क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है क्या बात? आप क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो देखिए फोर्स अप्लाई कर रहे हो, चलो ठीक है, यहां अपन ने देखा कि आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो, चलो ठीक है, ये एक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो सकता था कि बस वाला क्वेश्चन याद रखना, अपन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है? बस का।
कि बस के ड्राइवर ने आपको जाके पीछे धकेलने बोला, बस को बोला कि थोड़ा धक्का दे दो, आशा राम राम सर राम राम। तो आप पीछे जाके आप क्या कर रहे हो, आप धक्का लगा रहे हो। तो धक्का लगा रहे हो तो आप क्या अप्लाई कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स। एग्जाम में चार ऑप्शन रहेंगे और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा फोर्स, बाकी कुछ तीन ऑप्शन रहेंगे वो गलत रहेंगे। आपको टिक करना है किसको, फोर्स को, और मजे से बैठो और सेकंड क्वेश्चन आप करने पे ध्यान दें। सुने तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाता है कि आप बस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो फोर्स। क्लास एट है आशा, क्लास एट चल रही है ना, क्लास एट। सुनो तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या लगा रहे हो, आप क्या लगा रहे हो, आप लगा रहे हो फोर्स। तो पहला कंडीशन अपनी खत्म हो गई, पहला क्वेश्चन भी खत्म, पहली कंडीशन भी खत्म। सेकेंड सुनो, बारिश का मौसम है, सुनना बारिश का मौसम है, बढ़िया बारिश हो रही है, मस्त एकदम असम के जैसा मौसम है, चाहे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी मतलब समझते हो आप, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। आप समझे बात को, कि आप बारिश के मौसम है और आप घर में बढ़िया से मजे से सो रहे हो, क्या कर रहे हो, आप घर में सो रहे हो, मजे से सो रहे हो। कंडीशन सुनना, आप घर में मजे से सो रहे हो और आपकी मम्मी जोर से चिल्लाती है और बोलती है भाई बेटा यहाँ आ, और आप चले जाते हो और बेटा जाता है, आप जाते हो, लड़कियां जाता तो सपोज मान लो आप लोग जाते हो और आप लोग जाके मम्मी को पूछा, अरे मम्मी क्या हुआ, तो मम्मी बोलती है देखो बेटा ये गेट दरवाजा बंद हो गया, बंद हो गया मतलब लॉक नहीं हुआ, लॉक नहीं हुआ। बट क्या होता है कभी कभी सर्दियों में, क्या होता है ठंड के मौसम में, क्या होता है बारिश के मौसम में, क्या होता है जो लकड़ी होता है, जो काठ होता है, अपन आसामी में बोलते हैं काठ जो होता है, वो थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, इसीलिए लॉक लग जाता है, उसमें क्या हो जाता है दरवाजा बंद हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है वो दरवाजा, तो खुलता नहीं है वो दरवाजा, क्या नहीं होता है खुलता नहीं। अब आप और मम्मी एक तरफ से फोर्स लगा रहे हो ताकि दरवाजा खुल जाए, क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि वो दरवाजा थोड़ा सा मोटा हो गया, क्योंकि बारिश के सीजन में क्या होता है दरवाजा फूल जाता है, तो फूलने की वजह से वो क्या हो गया लॉक हो गया। लॉक मतलब ऐसा नहीं है कुंडी खुद ब खुद नहीं लगने वाली, वो ऐसा थोड़ी है कि बारिश बारिश आ रहा है सर और बारिश में कुंडी लग गई खुद ब खुद, कुंडी खुद ब खुद नहीं लगने वाली। क्या होने वाला है, वो टाइट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा आपको मालूम है, क्योंकि वो क्या हो गया दरवाजा आपका फूल गया, इसीलिए क्या हो गया टाइट हो गया। अब आपको मम्मी बोल रही है बेटा खोल दे, मम्मी भी फोर्स लगा रही है और तुम लोग भी लगा रहे हो, अब तो क्या लगा रहे हो आप फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो फोर्स। अब जोर से धक्का लगाया उस दरवाजे को, वो खुल गया, क्या हो गया खुल गया, तो वो भी आप क्या लगा रहे हो फोर्स लगा रहे हो। तो दोनों ही केसेस में पहले चाहे बस की कंडीशन हो, पहली वाली बस की कंडीशन हो, पहला बस की कंडीशन हो, या फिर दूसरी डोर की कंडीशन हो, आप दोनों में ही क्या लगा रहे हो, आप दोनों में भाई साहब फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो फोर्स। तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया दरवाजे पे, दरवाजा खुल गया, जैसे ही फोर्स लगाया बस के पीछे और गाड़ी स्टार्ट हो गई, बस चलने लगी, स्टार्ट हो गई, ऐसा ही कुछ आपने देखा। तो यहां अगर मैं बात करता हूं कि आपने देखो यहां एक चीज समझे कि भाई साहब आपने बस को धक्का मारा था, आपने बस को क्या मारा था धक्का, आपने बस को क्या किया था पुश किया था, बस को आपने क्या किया था पुश किया था, धक्का दिया था। धक्का देना मतलब पुश, पुश और पुल का मालूम होना चाहिए आपको कि पुश का मतलब क्या और पुल का मतलब। तो बस को आपने पुश किया था और डोर को आपने क्या किया था पुल किया था, समझ में आ रही है बात। तो बस को आपने पुश किया था और डोर को आपने क्या किया है पुल किया है, बस को आपने पुश किया है और डोर को आपने क्या किया है पुल किया है, क्लियर है बात। तो बस याद रखो ये जो पुल और पुश है, ये जो पुल और पुश है यही एक तरह की क्या है फोर्स है, फोर्स क्या है यही एक तरह की फोर्स है। तो फोर्स का मतलब पुल और पुश से है, फोर्स का मतलब क्या है पुल और पुश से है, फोर्स का मतलब क्या है पुल और पुश, फोर्स का मतलब क्या है पुल और पुश, फोर्स का मतलब याद रखना पुल और पुश से मतलब है, फोर्स का मतलब क्या है पुल और पुश, क्लियर है क्या बात, ये बात समझ में आती है क्या। चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है ठीक। अब देखो नई कंडीशन देखते हैं, तो बस के ऊपर आपने पुश धक्का दिया था, बस को धक्का देना मतलब पुश करना और खींचना, दरवाजे को अपन खींच रहे थे तो खींचना मतलब क्या होता है पुल। दोनों ही कंडीशन में चाहे पुल हो या फिर पुश हो आप क्या अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलूंगा, मेरे को कोई पूछेगा कि सर फोर्स क्या है, तो मैं एक बात तो क्लियर बोल सकता हूँ, फोर्स इज ए पुल और पुश, फोर्स का मतलब पुल है, या तो खींचना है या फिर धकेलना है, फोर्स
फोर्स इज ए पुल और पुश, फोर्स इज ए पुल या फिर पुश। फोर्स का मतलब क्या है, या तो पुल करना या फिर पुश करना। समझ में आ गई क्या? कमेंट करें कि समझ में आया या नहीं आया। वैसे कम चांस होता है कि मैं समझाऊं समझ में नहीं आया, ये नहीं हो सकता। बच्चों के मार्क्स कम आते हैं वो पढ़ते नहीं है, अदरवाइज समझ में तो पूरा आता है। समझ में आया क्या, एक बार कमेंट करें, यस सर नो सर कमेंट करें एक बार फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। यस सर, रूपाली बर्मन यस सर, सुनीता अग्रवाल यस सर, चलो वेरी गुड बढ़िया। रिकू बोरा यस सर, ओके गुड वेरी गुड, समझ में आया ना, चलो ठीक है। संजीव मेहता यस सर, फुन्नू पाठक यस सर, चलो ठीक है समझो। सुनो और आगे सुनो, सुनो अब इतनी बात समझ ली, रूपाली नोहे सुनमुन ओके ठीक है भाई, नाम जो लिखा हुआ मैंने वही पढ़ा, सॉरी आपको बुरा लगा तो कोई बात नहीं, समझो। सुनो सुनो सुनो, यस सर वेरी गुड बढ़िया। सुनो अब मैंने क्या बोला कि आप बस को धकेल रहे हो, मतलब आप पुश कर रहे हो, तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और वो जो दरवाजा बंद हो गया था, लॉक हो गया था, उसको आपने खींचा, आपने पुल किया हो, आपने और अपनी मम्मी ने क्या किया, पुल किया, तो वो भी आप क्या कर रहे थे, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे। बात समझ में आ रही है, दरवाजा भी खुल गया, बस भी चली गई, बात जाने दो, उस बात को जाने दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बात समझ, दो लड़कियां हैं यहां, एक लड़की यहां, दूसरी लड़की यहां, दो लड़कियां हैं और दो लड़कियां इस तरीके से अपने हाथों से ऐसे ऐसे पकड़ के, ऐसे ऐसे पकड़ के क्या हो रही है, यहां दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां एक दूसरे को धकेल रही है, दो लड़कियां क्या कर रही है, एक दूसरे को धकेल रही है, ये लड़की इस तरफ फोर्स लगा रही है और ये लड़की इस तरफ फोर्स लगा रही है। बात समझ में आ रही है, दो लड़कियां हैं, एक लड़की एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और दूसरी लड़की उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। दो लड़कियां हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। क्लियर है क्या? तो देखना ये पहला केस था, पहला केस था एक लड़की दोनों अपने हाथों पकड़ रही है और ऐसे क्या कर रही है, धकेल रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, धक्का मार रही है, पुश कर रही है। सेकेंड कंडीशन में देखो लड़कियां फिर से क्या कर रही है, लड़कियां फिर से क्या कर रही है, ऐसे ऐसे पकड़ के एक दूसरे का हाथ को पकड़ के, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के और ऐसे झूल रही है। झूलना मतलब समझ रहे हो ना, वो जो आप लोग करती है लड़कियां ज्यादा करती है, लड़के नहीं करते ऐसे काम। लड़कियां क्या करती है, दो हाथ पकड़ लेती है दूसरी लड़की का और फिर गोल गोल घूमती है, फिर दो कैसे घूमती है, गोल गोल, और ऐसे थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाती है, ऐसे नहीं सीधी सीधी नहीं घूमती, ऐसे इंक्लाइंड हो जाती है और ऐसे ऐसे घूमती है, पता नहीं क्या मजा आता कुछ करती है ना, इस तरीके से घूमती है। तो बात समझो, चाहे लड़कियां इस तरीके से एक दूसरे को धक्का मारे, दोनों एक दूसरे को धक्का मार रही है, या फिर एक तरीके दोनों को पकड़ के क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, पता नहीं क्या मजा आ रहा है। बट एक बात तो मैं बोल सकता हूं, यहां भी फोर्स लग रही है, यहां भी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, यहां भी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, समझो कि बस आप नीचे खड़े हुए, आप खड़े होके बस को हाथ लगाया, हाथ लगाया ना, बस को टच किया, बस को, और टच करते ही उसके ऊपर एक फोर्स लगी। सेकेंड केस में जब आपने दरवाजे को खींचा, तब भी दरवाजे को आपने हाथ लगाया, उसको पकड़ा है ना, डोर को पकड़ा और खींचा। थर्ड में आपने देखा दो लड़कियां हैं, एक दूसरे को ऊपर धकेल रही है हाथ लगा के। फोर्थ में आपने देखा दो लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ रही है और घूम रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, यहां भी फोर्स लगा। मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, इस बात को समझे कि मैं बोलना चाहता हूं फोर्स तब लगती है जब इंटरेक्शन होता है, जब क्या लगता है, इंटरेक्शन होता है, मतलब एक दूसरे के कंटेक्ट में जब बॉडी आती है, तो मैं बोलूंगा इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में आएगा, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में आएगा, जब एक दूसरे को टच करेगा, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा।
बट हमेशा ये बात सही नहीं है। सपोज करो आप में से कोई भी दो लड़की है ना, आपने कुछ भी किया, एक एक ने एक लड़की ने एक लड़की ने क्या किया, दूसरी लड़की के शोल्डर पे हाथ रखा, उसने भी फोर्स लगाया, उसने भी क्या लगाया, फोर्स लगाया है या नहीं है, उसने भी क्या लगाया, फोर्स लगाया। कोई बच्चा बदमाशी करता है, मैंने उसे थप्पड़ लगा दी, मैंने भी उसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। बट फोर्स कैसे लगा, जब इंटरेक्शन हुआ, टच किया तभी तो लगा फोर्स। बट कभी कभी क्या होता है, फोर्स को इंटरेक्ट, कभी कभी क्या होता है, आप बिना इंटरेक्शन के फोर्स लगा सकते हो। आप बोलो सर कैसे, बिना टच के कैसे फोर्स लगा था, जादू? नहीं, मैं जादू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऐसी फोर्स है जिसमें इंटरेक्शन होने की कोई जरूरत नहीं है, एक दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं है, फिर भी फोर्स लगाई जा सकती है, फिर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर है क्या बात? बस इतनी सी बात आपको समझाने, क्लियर है? चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, पहला डेफिनेशन अपन लिखेंगे फोर्स का, लिखें फोर्स सबसे पहला डेफिनेशन। चैप्टर का नाम डालें फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, और सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे फोर्स, सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे फोर्स, एफ ओ आर सी, सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे फोर्स, लिखेंगे। लिखें फोर्स, डेफिनेशन किसके लिखेंगे, फोर्स, डेफिनेशन अपन लिखेंगे फोर्स के, लिखें फोर्स के डेफिनेशन लिखेंगे, फोर्स के डेफिनेशन लिखेंगे, ए फोर्स इज ए पुश, फोर्स तो पुश या फिर पुली है, लिखें ए फोर्स इज ए पुश और पुल, ए फोर्स इज ए पुश और पुल, ए फोर्स इज ए पुश और पुल कॉमा पी यू एस एच, पुश मतलब पी यू एस एच, पुल का मतलब पी यू डबल एल, फुल फॉर्म क्या होगा, सॉरी फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, स्पेलिंग क्या होगी, पी यू डबल एल पुल, पी यू एस एच पुश, ए फोर्स इज ए पुश और पुल, ए फोर्स इज ए पुश और पुल कॉमा विच चेंजेस, समझाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, ए फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, विच चेंजेस, सी एच ए एन जी ई एस, विच चेंजेस, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, और टेंड्स टू चेंज, और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, और टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, और टू चेंज, सॉरी विच चेंजेस, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, टी ई एन डी एस, कोशिश करना, TENDS, TENDS, which changes or tends to change, TENDS, TENDS, हेलो क्या खबर, सबकी बढ़िया जीत उत्पल, which changes or tends to change the state of rest, which changes or tends to change the state of rest, the state, S-T-A-T, state of rest, or the uniform motion of a body, or the uniform motion of the body, or the uniform motion of a body, or the uniform motion of the body, or the uniform motion of a body, or changes the direction, or changes the direction, or changes the direction, or changes the direction, or shape of the body, or shape, S-H-A-P, shape of a body, or shape of a body, or shape of a body, or shape of a body. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा का पूरा, सुनना, a force is a push or pull, comma, a force is a pull or push, comma, which changes or tends, TENDS, tends to change the state, or tends to change the state of rest, 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 or the uniform motion, uniform, UNIFORM, uniform motion, MOTION, motion of a body, or changes the direction, or changes the direction, or shape of a body, or changes the direction, or shape of a body. Or changes the direction or shape
SHAP शेप ऑफ अ बॉडी, लिख लिया के सामने, लिख लिया होगा, आशा है कि लिख ही लिया होगा आपने, लिख लिया ना सबने, लिख लिया क्या भाई सबने? डन, एक बार बता दो कि सबने लिख लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने में, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन, आप देखो मैं डेफिनेशन को समझाता हूं, आप समझना, डेफिनेशन को समझा रहा हूं, डेफिनेशन को समझो। हमने जब बस वाला एग्जांपल लिया था या फिर डोर वाला जो एग्जांपल लिया था, उसमें मुझे मैंने ये तो देख लिया कि या तो फोर्स का मतलब होता पुश करना, धक्का देना, या फिर फोर्स का मतलब होता पुल करना, या फिर वेरी गुड लिख लिया रूपाली सुब्रमण, वेरी गुड। समझो तो क्या होता है फोर्स का मतलब, कमेंट सेक्शन पे ध्यान ना दे, यहां दे मेरे तरफ ध्यान दे। तो क्या होता है कि फोर्स का मतलब क्या हो गया? हाँ सर लिख लिया, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। सुनो अब फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब धक्का देना होता है, पुल करना होता है, खींचना होता है, या फिर पुश करना होता, धकेलना होता, धक्का देना होता। तो मैंने क्या लिखा, क्या डेफिनेशन मैंने क्या लिखी, फोर्स इज ए, फोर्स इज ए, फोर्स इज ए पुल और पुश, और पुश। फोर्स क्या है? या तो पुल है या फिर क्या है, पुश है। फोर्स इज ए पुल और पुश, फोर्स का मतलब क्या होगा? लिख लिया सर, डन, ठीक है, एक बार सुनो तो सही। फोर्स इज ए पुल और पुश, फोर्स का मतलब या तो पुल होगा या फिर क्या होगा, पुश होगा। अब फोर्स इज ए पुल और पुश, इतना लिखने से थोड़ी चलेगा काम, क्लास 8 में आ गए, थोड़ा बहुत तो डेफिनेशन को अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब या तो ये पुल है या फिर पुश है, कर क्या रहा है, विच चेंजेस। अब या क्या करेगा, अब जो बस खड़ी थी, जो बस खड़ी थी आपने जब धकेला तो बस चलने लग गई, मतलब बस जो रेस्ट पे थी, रेस्ट मतलब रुकना, रुकी हुई रहना, तो बस जो रुकी हुई थी रेस्ट पे थी वो बस चलने लगी, वो बस क्या करने लगी, चलने लगी। तो ये क्या करता है, विच चेंजेस, पुश और पुल, विच 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 चेंजेस, विच चेंजेस द स्टेट ऑफ, विच चेंजेस द स्टेट ऑफ, विच चेंजेस या फिर और टेंड्स टू चेंज, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। या तो क्या करेगा कि बस, बस को जब हमने धकेला तो बस चलने लगी। अगर हम दीवार को धकेलते, एक वॉल है और एक वॉल पे हम धक्का दे दें, तो क्या चलेगी? थोड़ी नहीं चलेगी, बट हमने कोशिश तो की, फोर्स ने कोशिश तो की। तो याद रखें, फोर्स इज ए पुल और पुश, विच चेंजेस, विच चेंजेस, या तो वो चेंज कर देगा, रेस्ट पे है तो उसको चेंज करके चला देगा, है ना, रुकी हुई है बस और वो चलने लगेगी, पहले रुकी हुई थी अब चलने लगी, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, या फिर कोशिश करेगा उसको चलाने की, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये जो रुकी हुई बॉडी है रेस्ट पे है, वो या तो चलने लगेगी मेरे दोस्त, या फिर चलने की कोशिश करेगी। जैसे कि दीवार को अगर धक्का दे दो, अगर वॉल को धक्का दे दो, तो वॉल नहीं चलेगी, बट वो कोशिश करेगी चलने की, बट चलेगी नहीं, क्योंकि फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी अगर दीवार को चलाना है। तो बस क्या बोला है, ए फोर्स इज ए पुल और पुश व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो रुकी हुई बॉडी है उसका रेस्ट, जो रेस्ट में है वो उसको चला दे या फिर चलाने की कोशिश करे। या फिर और क्या कर सकता है, अगर मैं फोर्स की अगर मैं बात करूं, फोर्स और क्या कर सकता है, सपोज एक गाड़ी आ रही है आपके सामने से, एक गाड़ी आ रही है और आप शक्तिमान हो, आप मान लो शक्तिमान हो, तो गाड़ी सामने आ रही है, आपने पैर सामने किया और गाड़ी को रोक दिया, और गाड़ी को क्या कर दिया, रोक दिया, फुल स्पीड से आ रही है और शक्तिमान हो आप, आपने पैर सामने किया और रोक दिया। तो फोर्स उल्टा काम भी कर सकता है, एक चलती हुई गाड़ी को रोक भी सकता है, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। तो यही बोला है कि या तो ये क्या करेगा, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, या अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट से चला देगी, ऐसा कर सकती है, या फिर ऑल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का, या फिर जो मोशन में है उसको रेस्ट पे ला देगी, या फिर जो यूनिफॉर्म मोशन, जो मोशन में है, जो चल रही है, उसको कहां ला देगी, रेस्ट पे ला देगी। क्लियर है क्या? या फिर क्या कर देगी, डायरेक्शन चेंज कर देगी, बस ऐसे आ रही है शक्तिमान ने यहां से धक्का मार दिया, बस का डायरेक्शन चेंज हो गया। या फिर अगर मेरे पास बेलून तरह की कोई चीज है, तो बेलून के ऊपर मैं जब फोर्स लगाता हूं तो उसकी स्पेस, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही तो डेफिनेशन बनेगी, ध्यान से सुनो आप,
फोर्स इज ए पुल और पुश, चलो ठीक है, फोर्स और फोर्स तो पुल और पुश है ही, क्या करेगी, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, या तो वो चेंज कर देगी या फिर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस, जो रेस्ट पे है उसको रेस्ट से मोशन पे ला देगी। मैंने धक्का मारा, धक्का मारते ही वो गाड़ी चल गई, पर हमेशा थोड़ी शुरू हो ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा गाड़ी चल जाए। अगर एक ही इंसान धक्का मारता, एक ही स्टूडेंट बाहर निकल के धक्का मारता तो गाड़ी नहीं चलती। तो वी चेंजेस और टेंड्स टू, टेंड्स टू मतलब कोशिश करना, वी चेंजेस या तो चेंज कर देगी और टेंड्स टू चेंज और कोशिश करेगी चेंज करने की, द स्टेट ऑफ रेस्ट जो रुकी हुई है उसका स्टेट चेंज करने की, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, और द यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी चल रही थी तो शक्तिमान की तरह आपने लात को ऐसे कर दिया, पैर को ऐसे कर दिया और उसे रोक दिया, तो मोशन में है तो उसको रेस्ट में भी ला सकता है। कौन ला सकता है ऐसा, ऐसा ला सकता है कौन, फोर्स, या फिर डायरेक्शन चेंज करता है। एक गाड़ी ऐसे जा रही थी साइड से धक्का मार दिया, एक साइकिल जा रही है और साइड से आपने धक्का मार दिया, साइकिल वाले का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो चेंज डायरेक्शन भी कर सकता है फोर्स, फोर्स डायरेक्शन भी चेंज करता है, या फिर क्या कर सकता है, शेप ऑफ अ बॉडी को चेंज कर सकता है। तो यह बनेगी पूरी की पूरी फोर्स की डेफिनेशन, यह बनेगी फोर्स की पूरी डेफिनेशन। एक बार पढ़ो, एक बार रीड आउट करो, फटाफट फटाफट रीड करो, आगे चलेंगे भाई, फटाफट रीड करो, एक बार पढ़ लो, आगे चलेंगे। हो गया, चलो ठीक है, समझ गए ना, चलो ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन लिख ली, डन। अब लिखें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, सेकंड लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, सेकंड हेडिंग डालेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो क्या क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लिखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हेडिंग बनाएं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स, EFFECTS, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हेडिंग बनाओ, एक बार मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। अब सुनो, सुनो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स का प्रभाव, यानी कि फोर्स का प्रभाव, जब एक बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगती है तो उस बॉडी का क्या क्या हो सकता है, समझना, सुनो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स समझो, ये बॉडी है टायर लगा देता हूं, ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर मैं इसको बोलूं बॉडी है ये, इसको अगर यहां से एक आदमी है, यहां से एक लड़का है जो कि यहां से पीछे क्या लगा देता है, इसके फोर्स लगा देता है, क्या लगा देता है, फोर्स लगा देता, तो अगर ये लड़का अगर पीछे से इसको धक्का देगा तो ये बॉडी क्या करेगी, चलने लगेगी, ये बॉडी क्या करेगी, चलने लगेगी, कहां चलने लगेगी, आगे की तरफ चलने लगेगी, मतलब अगर ये लड़का इसको पुश करे, पुश करने मतलब फोर्स दे, पुश करे, अगर मैं बोलता हूं पुश करे तो पुश करे मतलब क्या, फोर्स देना, पुल करे तब भी फोर्स देना, पुश और पुल का मतलब क्या होता, फोर्स, तो अगर ये लड़का पीछे से पुश करे, इसको धकेले, धक्का दे, तो ये गाड़ी
आगे की तरफ चलने लगेगी। मतलब फोर्स ने क्या किया, एक बॉडी थी रेस्ट पे, एक बॉडी थी रेस्ट पे, रुकी हुई बॉडी थी, वो रेस्ट से किसमें आ गई, मोशन में आ गई। कहां आ गई, मोशन में। कहां आ गई, मोशन में। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स जो एक बॉडी रेस्ट पे है उसको रेस्ट से कहां ला सकता है, मोशन में ला सकता है। कहां ला सकता है, मोशन में ला सकता है। एक बॉडी रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, उसे पीछे से पुश किया, पुश करते ही वो कहां आ गई, मोशन में आ गई। मोशन मतलब चलने लगी, मोशन का मतलब होता है चलते रहना। तो वो रेस्ट से कहां आ गई, मोशन में आ गई। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, पहला बात। सेकेंड बात, अब यहां से धक्का दे रहा था ये, आगे शक्तिमान आ गया, शक्तिमान आ गया, और शक्तिमान ने अपनी पैर उठाया, अपना पैर उठाया और इसके सामने दे दिया, इस बॉडी के सामने दे दिया। आगे से शक्तिमान आया और शक्तिमान ने आगे से फोर्स लगा दिया, ये पैर जो दिया है, ये जो पैर उठा के बस के ऊपर रख दिया, इसने भी फोर्स लगाया, शक्तिमान ने भी क्या लगाया, फोर्स। जब एक आदमी दूसरे को टच करता है, किसी भी चीज को टच करता है, तो वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो शक्तिमान ने अपना पैर उठाया और सामने दे दिया, शक्तिमान क्या लगा रहा है, फोर्स। शक्तिमान ने क्या किया, एक चलती हुई बॉडी को, मतलब मोशन थी ये बॉडी, किसमें थी, मोशन में, चल रही थी ये, मोशन में थी, और शक्तिमान की वजह से कहां आ गई, रेस्ट पे आ गई, रेस्ट पे आ गई। तो फोर्स एक बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से रेस्ट में भी ला सकता है। एक चलती हुई बॉडी को रोक भी सकता है और एक रुकी हुई बॉडी को चला भी सकता है। सही है क्या बात, बिल्कुल सही है, एकदम सही है क्या बात, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, एकदम सही पढ़ा रहा हूं, टेंशन ना ले, भरोसा रखें प्रकाश सर के ऊपर, भरोसा है, तुम लोगों को मैं जानता हूं। थर्ड पॉइंट सुन ले, एक फुटबॉल है, फुटबॉल एक फुटबॉल है, या फिर इसी बॉडी को मान लो, शक्तिमान चला गया, बॉडी फिर से रुक गई, फिर इस आदमी ने वापस धक्का मारा और ये बॉडी फिर से चलने लगी, ये बॉडी फिर से चलने लगी, ये बॉडी चलने लगी इस तरफ। जब बॉडी चलने लगी इस तरफ, जब बॉडी इस तरफ चलने लगी, तो पीछे से प्रकाश सर आए, पीछे से प्रकाश सर आए यहां से, और उन्होंने और धक्का दे दिया, और धक्का दे दिया इस बॉडी को। बात समझ रहे, ये बॉडी ऑलरेडी चल रही थी, ये बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी, ये जो बॉडी दिख रही है आपको, ये पहले से ही चल रही थी धीरे 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 धीरे, और प्रकाश सर आए और धक्का दे दिया इसे। पहले एक आदमी पुश कर रहा था और फिर मैं भी आया और मैंने भी धक्का दिया इसे, तो पहले एक आदमी धक्का दे रहा था, अब दो आदमी धक्का दे रहे हैं, फोर्स बढ़ गई, फोर्स बढ़ गई। दिया तो मैंने भी धक्का ही, फोर्स ही दिया, पुश किया मैंने, और मेरे पुश करने से बॉडी में क्या चेंज हुआ, मेरे बॉडी से चेंज ये हुआ कि बॉडी जो स्लोली चल रही थी वो स्लोली कहां हो गई, फास्ट चलने लगी। जो स्लोली चलने वाली बॉडी है वो कहां चलने लगी, फास्ट चलने लगी। तो बॉडी स्लो चलती है, तो अगर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है वो क्या चलने लगे, फास्ट चलने लगे। तो पहला था रेस्ट, अगर मैंने रेस्ट पे एक बॉडी उसको फोर्स दिया तो मोशन, रेस्ट को फोर्स दिया तो मोशन में आ गया, मोशन को ऊपर फोर्स दिया तो हो सकता है रेस्ट पे आ जाए, और स्लो चल रही है बॉडी उसको अगर मैंने फोर्स दिया तो वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो सकती है। ऐसा फोर्स करती है, फोर्स का काम ही यही है ना, एक बॉडी चल रही है तो उसको रोक सकती है, एक बॉडी चल रही है तो उसको और स्पीड में कर सकती है, एक बॉडी रुकी हुई है तो उसको चला सकती है, ऐसा फोर्स कर सकती है, फोर्स का है ऐसा। क्लियर है ना, फोर्स ऐसा कुछ कर सकता है, ये सारे काम फोर्स कर सकता है। क्लियर है क्या, और क्या कर सकता है फोर्स, एक काम फोर्स और कर सकता है, फोर्स एक काम और कर सकता है, एक नहीं दो काम और कर सकता है। सपोज करो एक साइकिल चला के रोड पे एक आदमी चल रहा है, साइकिल चला, और आपने उसे साइड से धक्का मार दिया, और आपने क्या किया, उसे साइड से धक्का, एक साइकिल चल रही है सीधे सीधे, और आपने उसे साइड से धक्का दे दिया, साइड से पुश कर दिया,
तो वो साइकिल वाले के डायरेक्शन वो स्ट्रेट जा रहा था, वो बच्चा एकदम स्ट्रेट जा रहा था, आपने साइड से धकेल दिया उसे, उस साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो साइकिल ऐसे ऐसे चलने लगी, टक 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 टक, है ना, साइकिल ऐसे 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 गिरेगा 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 ऐसे चलने लगे, साइकिल इस तरीके से करने लगे, क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ फोर्स। क्या समझता हूं मैं? समझता हूं कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्थ नंबर, फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, चलती हुई चीज का डायरेक्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्लियर है क्या? चलती हुई बॉडी का डायरेक्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आया। तो फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। आप बोलोगे और क्या कर सकता है, मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, फोर्स और क्या कर सकता है, मैसेज करें भाई, कमेंट करें, फोर्स और क्या कर सकता है, कोई आंसर देगा उसको एक डेयरी मिल्क मिलेगी 10 रुपए वाली, बताओ भाई फटाफट, फोर्स और क्या कर सकता है बताओ। ये पांच चीज, चार चीजें मैंने बता दी, पांचवी चीज आप बताएं, और फोर्स क्या कर सकता है, जो बताएगा उसे एक डेयरी मिल्क मिलेगी, जो पहला आंसर देगा उसे, बताओ भाई फोर्स और क्या कर सकता है। जल्दी बताएं, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। शेप चेंज कर सकता है दीपक भुइया, मतलब अनुष्का, अनुष्का को मिलेगी एक डेरी मिल्क जब क्लासेस स्टार्ट होगी, वेरी गुड, शेप चेंज कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिफ्थ नंबर पे अगर मैं लिखूंगा तो मैं बोलूंगा फोर्स क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है? तो एग्जाम में आपके 101% क्वेश्चन आएगा, है ना, साइंस में ही पढ़ाऊंगा, साइंस मैथ्स। तो फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। अब तो आंसर आ चुका है, अब कोई मतलब नहीं है, अब कोई आंसर का मतलब नहीं है, आंसर आ चुका है, एक पहला ही आंसर माना जाता है। तो अपन लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अपन की हेडिंग है, अपन हेडिंग बनाएंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लिखें, पहला लिखें भाई, पहला लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखें, रेडी ना सब लोग, चलो ठीक है लिखें, फोर्स कैन कॉज मोशन, फोर्स कैन कॉज मोशन, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन कॉज मोशन इन एन स्टेशनरी, इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रिपीट कर रहा हूं मैं, फोर्स एफ ओ आर सी, फोर्स कैन कॉज, सी ए यू एस सी, कॉज, फोर्स कैन कॉज मोशन, मोशन एम ओ टी आई एन, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई, इन ए स्टेशनरी, स्पेलिंग एस टी ए टी आई ओ एन, टी आई ओ एन ए आर वाई, टी ई आर वाई मत करना, स्टेशनरी वो अलग हो जाएगा, वो दुकान हो जाएगी स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी की स्पेलिंग फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस टी ए टी आई ओ एन ए आर वाई, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक रुकी हुई बॉडी पे फोर्स लगा दें तो वो उसे मोशन पे ला सकता है, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट। सेकेंड क्या इफेक्ट होगा, सेकेंड पॉइंट लिखे, सेकेंड पॉइंट लिखे, सेकेंड पॉइंट लिखे, सेकेंड पॉइंट लिखे, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट,
फोर्स कैन स्टॉप, फोर्स रोक सकता है एक चलती हुई बॉडी को, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, 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 फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, फुल स्टॉप, हो गया। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, फुल स्टॉप, है ना, हो गया। थर्ड पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट लिखें, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, एक चलती हुई, एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को और स्पीड में चला सकता है। पीछे से मैं आया था, धक्का मार दिया था ना, बॉडी और स्पीड चलने लगी। फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मूव ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, मूव MOV मूव फास्टर, FASTER फास्टर। हेलो, हाँ हाँ, क्या चीज, हाँ हाँ, 3:30 पे है। VKV का कल बच्चा लोग दिया है, आज तुम दे सकता थे, तो हाँ 3:30 बजे आया। तो लिखा, लिख लिया, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, FASTER, एक चलते हुए बॉडी को और फास्ट मूव करा सकता है सर। क्लियर है क्या? फोर्थ नंबर लिखें, फोर्थ नंबर लिखें, फोर्थ नंबर लिखें, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, फोर्स कैन मेक, सॉरी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, 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 फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फिफ्थ नंबर लिखे, यहां से क्वेश्चन आएगा, है ना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता भाई। फिफ्थ नंबर लिखे, फिफ्थ नंबर लिखें, फिफ्थ नंबर लिखें, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फोर्स कैन चेंज द शेप, SHAP, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फोर्स कैन चेंज द 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 शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, force can change the shape of objects, force can change the shape of objects, force can change the shape of objects, done। एक बार पढ़ लो, एक मिनट दे रहा हूं मैं आपको। हो गया,
डन जिस जिसका एडमिशन नहीं हुआ वो करवा ले, अभी मैं 3:30 से रहूंगा इंस्टीट्यूट में, है ना। किसी पेरेंट्स को भेज दें भाई आप, एडमिशन कराएं अपना, जिस जिसका नहीं हुआ उनके लिए। डन अब लिखे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, काम करो टाइप्स ऑफ फोर्सेस मत लिखो, ऐसे लिखो कंटेक्ट फोर्स एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेस, कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। हेडिंग बनाए कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेस, 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 कंटेक्ट CONTACT, कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेस, कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। हेडिंग बनाएं कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। कंटेक्ट नॉन कंटेक्ट फोर्स में आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, समझे बात को, आप वर्ड से समझते हो कि कंटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है और नॉन कंटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है। देखो क्या, एक यहां फिर से एक गाड़ी है और आप यहां पीछे से इसको क्या कर देते हो, यहां से फोर्स लगा देते हो, यहां से क्या लगा देते हो, फोर्स लगा देते हो। तो आपने क्या किया, आपने अपने हाथों से बस को धकेला, आपने अपने हाथों से बस को धकेला, मतलब इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो वन है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट जो वन है मतलब बस, और ये है ऑब्जेक्ट टू, ये है ऑब्जेक्ट टू, वन और टू, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू एक दूसरे के कंटेक्ट में है या नहीं है, बिल्कुल है। मैंने टच कर रखा है बस को, टच किया या नहीं किया, बिल्कुल टच किया, मैंने टच करके उसको क्या दिया, धक्का दे रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के बीच में क्या हो रहा है, कंटेक्ट है। इस तरीके की फोर्सेस को मैं बोलूंगा कंटेक्ट फोर्स, इस तरीके की फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, कंटेक्ट फोर्स, इस तरीके की फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, कंटेक्ट फोर्स। यह है कंटेक्ट फोर्स। एक तरीका और हो सकता था, एक तरीका और हो सकता था, यह है बस, यह है बस, यहां मैंने एक रस्सी पकड़ ली, रस्सी, और पीछे यहां मैं लगा हूं, रस्सी को खींच रहा हूं, रस्सी को खींच रहा हूं, रस्सी को क्या कर रहा हूं, मैं खींच रहा हूं। इसमें भी देखो ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट वन, और ऑब्जेक्ट टू ये रस्सी है, ऑब्जेक्ट टू क्या है, रस्सी, और रस्सी को मैंने पकड़ रखा है। तो तीन ऑब्जेक्ट है यहां, एक है बस, दूसरी रस्सी रोप, और तीसरा मैं, हमारे बीच में कंटेक्ट है। क्लियर है क्या, मैंने रस्सी को पकड़ रखा है और रस्सी ने बस को पकड़ रखा है, यह भी कंटेक्ट फोर्स है, यह भी कैसी फोर्स है, कंटेक्ट फोर्स, यह भी कैसी फोर्स है, कंटेक्ट फोर्स, यह भी कैसी फोर्स होगी, कंटेक्ट फोर्स होगी। अब आप बोलोगे सर नॉन कंटेक्ट फोर्स, नॉन कंटेक्ट फोर्स में क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स, एक चाबुक दूसरे चाबुक के ऊपर फोर्स लगाता है बिना टच करे, करता है ना नहीं करता, बिल्कुल करता है ना। आयरन की पीस रख दो और ऊपर से एक काम करो आप, है ना, मैग्नेट को ऐसे थोड़ा साइड ऐसे ऐसे करो, आप देखोगे वो नीचे जो आयरन नेल्स रखे हुए हैं वो भी दूसरे तरफ मूव करें, वो है नॉन कंटेक्ट फोर्स। और नॉन कंटेक्ट फोर्स कौन सी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब पृथ्वी सब इंसान को खींच रही है, पृथ्वी हर चीज को खींच रही है। आप अपने बिल्डिंग के ऊपर जाते हो और वहां से छलांग लगा देते हो, करना मत ऐसा, आप छलांग लगा देते हो, कूद जाते हो, तो आप अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होते हो, ऊपर तो नहीं जाते आप,
आप कूदे और आकाश में चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। आप कूदोगे तो कहां जाओगे? पृथ्वी की तरफ जाओगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपको पृथ्वी क्या कर रही है? आपको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स अर्थ इज अट्रैक्टिंग यू एट दैट टाइम। उस टाइम में आपको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, बट आपके और अर्थ के बीच में कोई कंटेक्ट नहीं था। आप दूर थे और अर्थ नीचे था, अर्थ ऊपर थोड़ी चिपक गया आपके, फिर भी अर्थ आपको खींच रहा है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एक नॉन कंटेक्ट फोर्स है। वो भी क्या है? नॉन कंटेक्ट फोर्स है। क्लियर है क्या बात? फिर भी आप एक बार इसको पढ़ना। क्लियर है? आज इतना ही करेंगे। कंटेक्ट नॉन कंटेक्ट फोर्स में नेक्स्ट कराऊंगा जब मेरी क्लास होगी, कल या परसों जब क्लास होगी, कल है। 4 दिन में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। 4 क्लास तक शायद, या 5 क्लास लग सकती है। क्लियर है? सबको समझ में आया? एक बार कमेंट करें समझ में आया या नहीं आया। एक बार कमेंट करें सब लोग, अपना नाम लिख के समझ में आया बोलिए। चैनल को, जो चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब करके रखते हैं। जब मैं नेक्स्ट क्लास चालू करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके रख दें उसको, है ना? सब्सक्राइब करें और उसको छोड़ दें। सब्सक्राइब करना आता ही होगा आपको, सब्सक्राइब करके छोड़ दें। हाँ सर, समझ में आया सागर महंतो, वेरी गुड, बढ़िया। अनुष्का एलिंग सर, समझ में आ गया, वेरी गुड, बढ़िया। अंकिता राजवंशी, ठीक है, आया सर समझ में, वेरी गुड, आया सर, वेरी गुड। ठीक है, आप सब्सक्राइब करके छोड़ दें चैनल को। तन्मोय, समझ में आया सर, वेरी गुड। मेघना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लिशा है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ देना, डन। चलो ठीक है, ठीक है। सुनमून, वेरी गुड।